नोएडा से खबर है, कोरोना के इस बीच त्योहार आने वाले हैं और त्योहारों के चलते धारा 144 लागू की गई है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा 144। धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही होगी। कोरोना के बीच त्योहारों के चलते ये फैसला लिया गया, उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी। आपको बता दें, कोरोना महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी, जो भी उल्लंघन करता हुआ दिखाई देगा। त्योहारों पर भी कोरोना का साया साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना के बीच त्योहारों के चलते नोएडा से खबर ये कि धारा 144 लगाई गई है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। गिरीश नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। गिरीश, क्या कुछ जानकारी, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक धारा 144 में रहेंगे लोग, उल्लंघन करने पर कार्यवाही? जी, लगातार जिस तरह से अनलॉक सामने आ रहे थे, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही थी, तो इसी अनुसार नोएडा पुलिस भी अपनी गाइडलाइन जारी कर रही थी। और अब जो अनलॉक 5 की गाइडलाइन आई है, उसके बाद अब नोएडा पुलिस ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू है रहेगी पूरे जनपद में, क्योंकि तमाम जगह जो कोविड संक्रमण है वो फैलने के चांसेज हैं। उसके अलावा इस महीने में तमाम त्योहार भी पड़ते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गिरीश, जिस तरीके से त्योहारी सीजन में रौनक रहती है, बाजार सस्ते थे और शायद इस बार उस तरह की रौनक होगी नहीं, लेकिन 188 के तहत कार्रवाई होगी ये कहा गया, इसके अलावा इस गाइडलाइंस में और क्या क्या है? निश्चित तौर पर जो धारा 144 लागू की गई है, उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि जिस तरह से जो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक लगे। उसके अलावा नवरात्रि है, दशहरा है और ईद मिलाद नाम के तमाम जो त्योहार हैं वो इस महीने में पड़ते हैं, उसको लेकर भी लगाई गई है जो धारा 144। उसके अलावा जो संक्रमण है उसको लेकर जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा पारित की गई है, उन्हीं को यहाँ पे लगाया गया है कि आप ये जो सारी गाइडलाइंस है इनका भी पालन करें, अन्यथा धारा 188 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस जानकारी के लिए। तो कोरोना के इस काल में तमाम त्योहार मनाने होंगे और इस दौरान सुरक्षित अपने आप को भी रखना होगा और दूसरे के लिए भी खतरा नहीं बनना होगा, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी हुई है। नोएडा से खबर, कोरोना के बीच त्योहारों के चलते धारा 144 लागू।